हेलो एवरीवन, आज मैं बेसनी रोटियां बना रही हूं जो बहुत मज़ेदार हैं और बहुत इजी हैं। तो चलिए लिखते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स। 2 कप्स ब्राउन आटा, 3 कप्स बेसन, 1 कप मैदा, 1 मीडियम अनियन चॉप्ड, 8 गार्लिक क्लोव्स चॉप्ड, हैंडफुल ड्राई मिंट, 2 ग्रीन चिलीज ब्लेंडेड इन 1/4 कप वाटर, 1/4 कप ऑयल, 1/2 ईच ग्रीन एंड रेड चिलीज चॉप्ड, हैंडफुल हरा धनिया, 1/2 कप योगर्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून क्रश रेड पेपर, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टीस्पून हल्दी। पहले हम आटे में बेसन डालते हैं, साथ ही मैदा। ऑयल, चॉप्ड अनियन, हरा धनिया, मिंट, ग्रीन चिली, गार्लिक, रेड एंड ग्रीन चिलीज चॉप्ड, जीरा, हल्दी, क्रश्ड रेड पेपर, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, योगर्ट। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करते हैं। इसकी हार्ड मीडियम डो बनानी है, पानी इतना डालें जितना आपको चाहिए। ये देखिए हमारी डो तैयार है और अब हम इसे 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं। अब हमने एक पेड़ा लिया है और उसे ड्राई आटे में थोड़ा सा लगा के इसके अंदर देसी घी या ऑयल या डालडा जो भी आप चाहें वो लगा लें। मैंने देसी घी लगाया है, इससे ज़रा खुशबू और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। चारों पेड़े मैंने बना लिए हैं, कटिंग बोर्ड पे अपने बेलूंगी। इसे बहुत ज़ोर से रोलिंग पिन से नहीं बेलना है क्योंकि ये आटा ज़रा सॉफ्ट होता है। जब हम इसमें योगर्ट डालते हैं और गार्लिक तो रोटी बहुत सॉफ्ट बनती है। ऑयल भी डाला हुआ है हमने। थोड़ा सा पैन में ऑयल डाला है, हीट हाई रखनी है ताकि हमारा पैन अच्छे से गर्म हो जाए। बाद में जब आप फ्लिप हम करेंगे तो फिर मीडियम कर देंगे। अब मैंने हीट मीडियम कर दी है, थोड़ी सी हमारी रोटी हार्ड हो जाए। अब इसे फ्लिप कर लेते हैं, गोल्डन इसके एजेस हो चुके हैं। दूसरी साइड भी इसी तरह हम बनाएंगे। बेसनी रोटी जितनी स्लो हीट पे पकती है, मीडियम से भी स्लो कर लें तो इतना ही उसमें टेस्ट पैदा होता है। ये देखिए कितने अच्छे कलर आए हैं और बहुत खस्ता भी है, बहुत डिलीशियस भी है, खाने में भी बहुत मज़ेदार है। अब हमारी ये सारी रोटियां तैयार हो चुकी हैं, चाय के साथ इंजॉय करते हैं, चटनी के साथ भी खा सकते हैं। पुदीने की फुल फ्लेवर वाली रोटी है ये। बेसनी रोटी बनाना बहुत आसान है। आई होप आप ये मेरी रेसिपी ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट्स भी देंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करेंगे। सी यू नेक्स्ट वीडियो।